हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो आज है बहुत ही बड़ा मैच प्रीमियर लीग का, लिसेस्टर सिटी वर्सेस फुलहैम के बीच 2 घंटे 6 मिनट बाद। तो इसमें आपको सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आने वाली है, इसमें आपको प्रॉब्लम मान लो या फिर आप मान लो कि भाई आपके लिए प्रॉफिट वाली बात है कि इसमें जो एक टीम जीतेगी, जो मेरा मानना हुआ है लिसेस्टर सिटी, क्योंकि लिसेस्टर सिटी का नेम टॉप पर रह चुका है और अभी अभी इनको पिछाड़ा है एक टीम ने, जो लिवरपूल। इनके साथ मैच नहीं हुआ था वैसे, वो जैसे आप देखोगे ना कभी भी पॉइंट टेबल, तो वो लिवरपूल टॉप पे चली गई है पिछला मैच जीतते ही, तो उस कारण लिवरपूल फर्स्ट पे चल रही है। तो अगर मैं इस टीम की बात करूँ देन लिसेस्टर सिटी भी टॉप 6 में आ सकती है आज के मैच में, टॉप 6 में ऑलरेडी है, क्या पता आज ये टीम टॉप ही कर जाए। तो चलते हैं आगे, बात करूँ इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी। इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है एबी रॉक्स बीम 11 टीम्स। तो ग्रुप का नाम ध्यान से देख लो कि बाद में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आज मैंने शेड्यूल नहीं पोस्ट किया क्योंकि आज मैं ऑल ओवर सारे मैच ही कवर कर रहा हूँ, जैसे कि आपके सामने है, तो सुबह से लेकर सारे मैच ही दे रहा हूँ मैं तो ऑल ओवर भाई, इसलिए मैंने अभी आपको शेड्यूल नहीं सेंड किया, अभी मैं कर दूंगा नाइट मैच के शेड्यूल। तो चलते हैं आगे, बात करूँ अगर मैं इस मैच के लिए, लिसेस्टर सिटी वर्सेस फुलहैम, हर बार मुझसे निकल रहा है क्योंकि मैच ही बहुत बढ़िया है। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे मेन मैं बात करूँ गोलकीपर की, तो यहाँ से जो मैंने अपने लिए प्लेयर चुना है वो है ए एरोला को मैंने यहाँ से इसलिए चुना है क्योंकि जितने भी प्रीवियस मैचेस हुए हैं ये बंदा स्ट्रॉन्ग टीम के आगे, जैसे जितनी भी स्ट्रॉन्ग टीम होती है ना उसके सामने लिटिल बिट चलता है लेकिन हल्की टीम के आगे नहीं चलता। तो आज के मैच में लिसेस्टर सिटी टॉप टीम ही है, तो आई थिंक आज ये कम से कम गोल सेव करके अपने लिए या अपनी टीम के लिए अच्छे खासे पॉइंट अर्न करके दे सकता है। बात करूँ डिफेंडर्स की, तो यहाँ से आएगा जे जस्टिन, पिछला मैच लिवरपूल से ये हारी थी आपके सामने, लिवरपूल वर्सेस लिसेस्टर सिटी प्रीवियस जो हुआ था, और इस कारण वो तो चलो कोई बात नहीं, वो हार थोड़ी लेट थी क्योंकि लिवरपूल तो पहले टॉप कर चुकी है। तो मैं वहीं से बात करूँ, अगर आज मैं दोबारा देखा जाए तो प्रीवियस कुछ मैचेस में लिसेस्टर सिटी का ये प्लेयर नहीं चल रहा, मतलब इसका ग्रैंड लीग में मेन रोल नहीं है, इसका स्मॉल लीग में मेन रोल है। तो आप इसको स्मॉल लीग के लिए ट्राई कर सकते हो, जीएल में ट्राई करना, देन यू कैन ट्राई जे इवंस अगर खेला तो। और आगे से बात करूँ डब्ल्यू वफाना को आप देख सकते हैं, हर मैच में एक रेयर रोल है इस प्लेयर का और इस प्लेयर को सैल्यूट है भाई, क्योंकि वफाना हर मैच में, इवन हर मैच में, सिंगल मैच भी नहीं बोलूंगा, इस बंदे ने चलना ही चलना है, मतलब विदाउट क्लीन शीट ये बंदा 40 से 50 पॉइंट देके जाता ही जाता है। और आगे से बात करूँगा, यहाँ सुनूंगा एक और प्लेयर जिसका नाम है टी कैस्टिन, पिछले मैच से कुछ खेल नहीं रहा, तो आई थिंक इसकी जगह अगर आपको एक प्लेयर ट्राई करना है देन यू कैन ट्राई जे इवंस अगर आपके पास क्रेडिट इशू ना हो तो, क्योंकि क्रेडिट इशू बहुत है तभी मैंने अभी के लिए रखा है, क्योंकि अगर ये नहीं खेलता बाई चांस नहीं खेला लाइनअप में ना हुआ तो मैं इसकी जगह इसको किसी और प्लेयर को ट्राई कर लूँगा। यू कैन ट्राई ऑल्सो ये वाला प्लेयर भी आप ट्राई कर सकते हैं, इसका नाम है सीफच, ये भी बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में अगर ये खेलेगा ना टी कैस्टिन तो इसको ट्राई करना। नीचे चलते हैं, यहाँ से मैंने एक मजबूरी वाला प्लेयर चुना है, ये आप बोलोगे मजबूरी क्या भाई, इसका नाम है टॉसिन, ये बंदा ये प्रीवियस मैचेस में ये आप देख सकते हैं ये था प्लेइंग 11 में, तो मेरे को मजबूरी इसलिए आई है क्योंकि अगर फुलहैम का गोल होता है देन मैं तभी इसको चुन रहा हूँ, अगर हो जाता है बाई चांस, क्योंकि 8 क्रेडिट में आपको और कोई बढ़िया प्लेयर मिलने ही नहीं वाला, मैं पूरा एनालाइज कर चुका हूँ, एक भी प्लेयर मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई हमारी टीम के लिए अच्छा है, क्योंकि मुश्किल से बहुत चुना है ये। आगे से बात करूँ मिडफील्डर्स, तो यहाँ से लेने वाला एक टॉप का प्लेयर यूरी टेलमेंस, काफ़ी लोगों का आज वाइस कैप्टन भी रहने वाला है और कैप्टन भी, क्योंकि यार प्लेयर में दम तो है, लेकिन पिछला मैच लिवरपूल से तो हारना था क्योंकि लिवरपूल भी किसी से कम नहीं है, अगर ये नहीं कम तो वो भी बहुत खतरनाक टीम है, देन भाइयों वो तो बराबर की टक्कर थी। और आगे से बात करूँ एक और प्लेयर की, एच बर्नेस जो कि आज इसके लिटिल बिट चलने के चांस है, क्योंकि जब ये बंदा लाइनअप्स में गायब हो गया था कुछ दिन के लिए, देन ये दोबारा से जब इसका कमबैक हुआ तो बंदे ने काफ़ी कमबैक रेयर किया है, मतलब एवरेज किया है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं किया तब भी बेस्ट है। और आगे से बात करूँ, यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं एक और प्लेयर जिसका नाम है भाइयों एन मैंडी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अगर लाइनअप्स में हुआ तो आप जीएल में ट्राई कर सकते हो, चल नहीं रहा क्या पता आज चल जाए। और अगर ये वाला प्लेयर खेलता है जिसका नाम है डब्ल्यू नडीडी, ये खेल नहीं रहा, अगर ये भी आता है तो इसका कमबैक अच्छा हो सकता है आज के मैच में। तो आगे से बात करूँ, यहाँ से लूँगा ए जैम्बो जो कि भाइयों अपनी फुलहैम टीम का सबसे टॉप का मिडफील्डर, क्योंकि फुलहैम को जिस पे भरोसा है वो यही प्लेयर है, क्योंकि असिस्ट करने का लिटिल बिट चांस मुझे इसी प्लेयर से है। और चलते हैं नीचे की ओर, यहाँ से लूँगा ए लुकमैन भी फुलहैम का टॉप का प्लेयर है। तो ये हैं कुछ भाइयों रेयर प्लेयर्स, तो नहीं कह सकते इनको नॉर्मल प्लेयर, एंड भाइयों और भी काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स आप देख सकते हैं नीचे की ओर, वो इतने खास नहीं है। तो आगे से बात करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड की, तो जे वाडी भाइयों जितना बोलूँगा उतना कम होगा इस प्लेयर के लिए, ये बंदे ने लिवरपूल के साथ जब मैच था इसका ग्रैंड लीग में तब भी मेन रोल था, जितने बड़े बड़े मैच हुए, जो मैच हुआ था लीड्स के साथ इनका, लीड्स को तो इसने पिछाड़ ही दिया था, 2 असिस्ट 1 गोल ऊपर से 2 शॉट ऑन टारगेट, मतलब मज़ा आ गया था। और आगे से बात करूँ फुलहैम के एक प्लेयर की जिसका नाम है अलेक्जेंडर मिट्रोविक बड़ी बड़ी टीम्स को भी अच्छी तरह पिछाड़ देता है, आई थिंक आज इस बंदे का एक गोल आप देख पाओगे, क्योंकि इस बंदे ने लीड्स जैसी टीम के आगे 2 गोल किए थे, कहाँ लीड्स इतनी टॉप पे होती थी और लीड्स कितनी डाउन चली गई है, देखो क्या टाइम है। और आगे से बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन रहेगा जे वाडी एंड वाइस कैप्टन यूरी टेलमेंस। तो ये मेरी टीम, मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय।